नमस्कार। साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस अंक की मुख्य समाचारों के साथ। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जारी की डाक टिकट। प्रधानमंत्री ने की असम के 2 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित रिपोर्ट को किया जारी। मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर में बदलाव नहीं करने का लिया निर्णय। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लेकर आया बुनियादी आवश्यकता तक लोगों की पहुंच से संबंधित एक नया बुनियादी आवश्यकता सूचकांक। उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने के बाद 100 से ज्यादा लोग लापता। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र को स्थापित करने की घोषणा। म्यांमार में सेना ने किया सत्ता पलट, फिर से सैन्य शासन की स्थापना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने की खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड की सीमा निर्धारित। डेनमार्क द्वारा उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा। अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। हमें पता है कि वर्ष 2021 में चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है और यह स्थल असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने ब्रिटिश वस्तुओं सहित ब्रिटिश संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का आह्वान जनता से किया था। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि खिलाफत आंदोलन से जुड़ी थी। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करने से संबंधित था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी के प्रयास से खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था तब उसी बीच चौरी चौरा कस्बे में 4 फरवरी को स्वयं सेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने का निर्णय लिया। पुलिस कर्मियों ने स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने से रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और स्वयं सेवकों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी जिसमें कुछ लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। इस पर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा की। असहयोग आंदोलन की इस हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए गांधी जी ने इसे रोकने का फैसला किया और फिर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के इस तरह वापस लेने के गांधी जी के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। यह बात जरूर सही है कि चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन की असमय समाप्ति हो गई, परंतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चौरी चौरा कांड का अपना स्थान एवं महत्व है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में 2 स्थलों की यात्रा की। ये दोनों स्थल ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये स्थल हैं शिव सागर का जरंगा पोथर और ढेकिया जुली टाउन। आइए देखते हैं कि इन दोनों स्थानों की ऐतिहासिकता क्या है। जरंगा पोथर 17वीं शताब्दी की अहोम राजकुमारी जॉयमती की वीरता के लिए काफी लोकप्रिय है। मध्यकाल में शिवसागर अहोम वंश के शासन के अधीन था। अहोम वंश के अधीन असम काफी शक्तिशाली एवं समृद्ध था, परंतु वर्ष 1671 से वर्ष 1681 तक अहोम साम्राज्य राजनैतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। अहोम साम्राज्य को लगातार शत्रुओं से चुनौती मिल रही थी। ठीक इसी समय अहोम साम्राज्य के राजकुमार गोदापानी शत्रु से बचने के लिए नागा हिल्स भाग गए। शत्रुओं ने राजकुमार गोदापानी की पत्नी राजकुमारी जॉयमती को बंदी इस उम्मीद में बना लिया कि राजकुमारी राजकुमार गोदापानी के ठिकाने का पता बता देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी को कई दिनों तक जरंगा पोथर के एक खुले मैदान में कांटेदार पौधे से बांध कर रखा गया।
कठोर यातना को सहते हुए राजकुमारी जयमती ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु दुश्मनों को अपने पति का ठिकाना नहीं बताया। राजकुमारी जयमती के बलिदान का ही परिणाम था कि राजकुमार गोदापानी असम के राजा बने और फिर से असम में स्थिरता और शांति के युग की शुरुआत हुई। आइए अब बात करते हैं ढेकियाजुली टाउन की। तो यह स्थान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी उल्लेखनीय भागीदारी के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहां के लोगों ने मृत्यु वाहिनी नाम के एक समूह का गठन किया था। इस समूह में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम के कई शहरों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकला। ब्रिटिश प्रशासन ने लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक रवैया अपनाया। कहा जाता है कि 20 सितंबर 1942 को अकेले ढेकियाजुली टाउन में कम से कम 15 लोगों की गोली से मृत्यु हो गई। इनमें 3 महिलाएं भी थी, जिसमें 12 वर्षीय तिलेश्वरी बरुआ भी शामिल थी। तिलेश्वरी बरुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक के रूप में जानी जाती है। यही कारण है कि ढेकियाजुली टाउन में 20 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। असम के इन दो ऐतिहासिक स्थानों की चर्चा के बाद देखते हैं कि अगली खबर क्या है। खबर संबंधित है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एडीआर ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित एक रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से वर्ष 2019 के बीच की अवधि में भारत में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। आखिर किन राजनीतिक दलों को गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाता है? तो ये दल हैं नव पंजीकृत राजनीतिक दल, या ऐसा राजनीतिक दल जिसने राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त वोट प्रतिशत प्राप्त नहीं किया है, या ऐसा राजनीतिक दल जिसने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव में भाग नहीं लिया है। आइए अब देखते हैं कि एडीआर के रिपोर्ट में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2360 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और उनमें से 97.5% गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। वर्ष 2010 में जहां पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 1112 थी, वहीं यह संख्या बढ़कर वर्ष 2019 में 2301 हो गई। रिपोर्ट में राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले दान का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल 2301 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 78 या 3.39% को प्राप्त हुए दान संबंधी रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे जिस प्रकार वर्ष 2016 में 255 दलों को जिनके सक्रिय ना होने तथा कुछ के अस्तित्व में ना होने के कारण पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक इस तरह की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा धन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण का विनियमन भी महत्वपूर्ण है और गैर मान्यता प्राप्त दलों की आयकर की जांच भी की जानी चाहिए। अगर हम बात करें एडीआर की, तो एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नई दिल्ली स्थित एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है मौद्रिक नीति समिति के द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 फरवरी को मौद्रिक नीति का ऐलान किया। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए ऐलान काफी अहम है। आम बजट 2021-22 पेश होने के बाद यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पहली समीक्षा बैठक थी। मालूम हो कि पिछले 3 मौद्रिक समीक्षा बैठकों में एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 में नीतिगत दरों में संशोधन किया था।
आइए जानते हैं कि मौद्रिक नीति के तहत प्रमुख घोषणाएं क्या है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यह 4% पर बरकरार है। मौद्रिक नीति समिति या एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है, यानी ग्राहकों को ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। आरबीआई के गवर्नर ने आगे कहा कि रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है, यह 4.25% पर है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी 4.25% पर ही है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक रुख को उदार बनाए रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में देश की जीडीपी में 10.5% की तेजी का अनुमान लगाया है। आरबीआई के गवर्नर ने यह बताया कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत हैं, ग्रोथ से जुड़े परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समय वृद्धि को बढ़ावा देने को जारी रखने की जरूरत है। शक्तिकांत दास ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च में महंगाई दर 5.2% तक रह सकती है। वित्त वर्ष 2021-22 में खुदरा महंगाई दर से जुड़े पूर्व के 5.8% के अनुमान को संशोधित कर 5.2% से 5% किया गया है। गवर्नर ने इस बात पर संतोष जताया कि महंगाई दर 6% के टॉलरेंस लेवल के नीचे है। वहीं दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहली तिमाही की तुलना में सुधार के साथ 63.3% पर रही। पहली तिमाही में यह आंकड़ा 47.3% था। पिछले कुछ महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह घरेलू अर्थव्यवस्था में फिर से मजबूत हो रहे विश्वास को दिखाता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के जरिए बैंकों से एनबीएफसी के लिए फंड उपलब्ध होगा। रिजर्व बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को नए कर्ज पर प्रोत्साहन की नई योजना की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर ने यह जानकारी दी कि खुदरा डायरेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिससे खुदरा निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाजार में सीधा एक्सेस मिलेगा। साथ ही प्राइमरी अर्बन सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया जाएगा। खुदरा निवेशक अब सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और ट्रेडिंग के लिए सीधे केंद्रीय बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। आरबीआई जल्द ही इस प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगा। आरबीआई प्रमुख ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां खुदरा निवेशकों की सरकारी बॉन्ड तक सीधी पहुंच है। वहीं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आउटसोर्सिंग के लिए आरबीआई दिशा निर्देश जारी करेगा। दास ने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वित्त वर्ष 2021-22 में हो जाएगी। केंद्रीय बैंक ने 3 मौजूदा ओम्बड्समैन स्कीम को आपस में जोड़ने और एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम बनाने का फैसला किया है। इसे जून 2021 में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR को 2 चरणों में रीस्टोर किया जाएगा। पहले चरण में 27 मार्च से 3.5% का CRR प्रभावी होगा। वहीं दूसरे चरण में 22 मई 2021 से 4% का CRR लागू होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो वर्तमान में देश के प्रमुख क्लियरिंग हाउस में लागू है, सितंबर 2021 तक देश की सभी शाखाओं में लागू हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2021 के बाद पहली मौद्रिक नीति बैठक को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लगभग 18,000 बैंक अभी भी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के अधीन नहीं है। उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली की मदद करने को 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद यह जानकारी दी
कि 3 निवेशकों ने संकटग्रस्त पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक की पुनर्संरचना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। दास ने कहा कि इन प्रस्तावों का मूल्यांकन चल रहा है, मूल्यांकन के बाद बैंक RBI से संपर्क करेगा। यह थी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में देश में बुनियादी आवश्यकताओं के वितरण में प्रगति की माप के लिए एक सूचकांक का विकास किया गया है। इस सूचकांक का नाम बुनियादी आवश्यकता सूचकांक है। आइए जानते हैं विस्तार से बुनियादी आवश्यकता सूचकांक को। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों तक बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच को मापता है। इन आवश्यकताओं की माप के लिए 5 आयामों के अंतर्गत 26 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, अन्य सुविधाएं, ये बुनियादी आवश्यकताओं के 5 आयाम हैं। इसके अलावा इन 5 आयामों के अंतर्गत आवास की उपलब्धता और गुणवत्ता, स्नान घर, रसोई, शौचालय, पीने का पानी, सुवे सिस्टम, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन और रोग मुक्त वातावरण आदि 26 संकेतक हैं। सूचकांक को तैयार करने के लिए जिन आंकड़ों का उपयोग किया गया है वे NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के 69वें और 76वें दौर के सर्वेक्षण के आंकड़े हैं। 69वां दौर वर्ष 2012 और 76वां दौर वर्ष 2018 से संबंधित है। आइए अब देखते हैं कि बुनियादी आवश्यकता सूचकांक या BNI के अंतर्गत देश का प्रदर्शन कैसा रहा है। BNI के अनुसार अधिकांश राज्यों में 2012 की तुलना में 2018 में परिवारों तक बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच काफी बेहतर रही है। 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच जिन राज्यों में अधिक रही है वे हैं केरल, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। और जिन राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच सबसे कम है वे हैं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर 2012 की तुलना में 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच में सुधार प्रदर्शित करने वाले राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्य। घरों में बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच की असमानताएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कम हुई है। जिन राज्यों में 2012 में बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का स्तर कम था उन्होंने 2012 और 2018 के बीच अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि प्राप्त की है। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक यह बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में तीव्र सुधार हुआ है, परंतु अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जरूरी आवश्यकताओं की पहुंच में बहुत बड़ा अंतर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। नंदा देवी ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पर्वत का एक भाग है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बाढ़ के कारण उत्तराखंड के तपोवन रैणी में स्थित एक विद्युत परियोजना में काम करने वाले 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। ग्लेशियर के टूटने के कारण आई बाढ़ के कारणों की अगर हम बात करें तो यह पाया गया है कि ग्लेशियर झील पर बने हुए बांध का विफल होना इसका एक बड़ा कारण है। और जब इस तरह की घटना होती है तब इससे आने वाली बाढ़ की तीव्रता काफी ज्यादा होती है, यह काफी प्रलयंकारी होता है और इसमें जान माल को बचाने के लिए काफी कम समय मिलता है। वहीं हम हिमनद विखंडन के कारणों की बात करें तो इसके कई कारण हैं, जैसे हिम के निचले स्तर में होने वाली भूकंपीय घटनाएं, 2 हिमनदीय झीलों के मिलने के कारण हुए जल का विस्थापन, हिमस्खलन और अपरदन की घटनाएं। इस प्रकार हमने हाल ही में उत्तराखंड में आई बाढ़ पर चर्चा की। बढ़ते हैं
अगली खबर की ओर। अगली खबर आर्द्र भूमि प्रबंधन से संबंधित। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के एक भाग के रूप में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र देश में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु नीति निर्माण, नियामकीय ढांचा निर्माण, प्रबंधन योजना तथा अनुसंधान करने में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों की सहायता करेगा। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित यह केंद्र आर्द्र भूमि से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी मदद करेगा। यह केंद्र आर्द्र भूमि शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रबंधकों और उपयोगकर्ताओं के लिए एक नॉलेज हब के रूप में भी कार्य करेगा। अगर बात करें राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की तो यह चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान विभाग कार्य करते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली, भू स्थानिक विज्ञान, तटीय पर्यावरण प्रभाव आकलन। यह केंद्र राज्य सरकारों और नीति निर्माण से संबंधित अन्य हितधारकों को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक मामलों में भी सलाह देता है। अगर बात करें आर्द्र भूमि की तो आर्द्र भूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। भारत में लगभग 4.6% भूमि आर्द्र भूमि के रूप में है, जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। भारत में 42 स्थल हैं जिन्हें आर्द्र भूमि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का नामित किया गया है। हाल ही में लद्दाख स्थित सोकार आर्द्र भूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 के दिन ही ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस वर्ष रामसर अभिसमय की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है म्यांमार से। हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। सैन्य शासन ने म्यांमार में 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में भी ले लिया गया है। म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित एक देश है, जो कि थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत आदि देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। म्यांमार वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। आजादी के प्रारंभिक एक दशक तक म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का स्वरूप था, परंतु वर्ष 1962 से वर्ष 2011 तक म्यांमार सशस्त्र बलों द्वारा शासित होता रहा। 2010 के दशक में सैन्य शासन ने देश को लोकतंत्र की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। वर्ष 2011 में नई सरकार के साथ नागरिक शासन की वापसी की शुरुआत हुई। राजनीतिक विरोधियों को जेल से छोड़ा गया और चुनाव के आयोजन की अनुमति भी दी गई। वर्ष 2015 का चुनाव देश का पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था, जिसमें कई दलों ने हिस्सा लिया था। इस चुनाव में आंग सान सू की दल राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जीत हासिल हुई। इस चुनाव के बाद म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति एक उम्मीद जगी थी कि म्यांमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में म्यांमार में पुनः संसदीय चुनाव का आयोजन किया गया था। इस चुनाव में आंग सान सू की के राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को अधिकांश सीटें हासिल हुई।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में सेना द्वारा संविधान को तैयार किया गया था। नए संविधान के अनुसार म्यांमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का 25% हिस्सा है। साथ ही म्यांमार में कई महत्वपूर्ण पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित हैं। और जब वर्ष 2021 की शुरुआत में नव निर्वाचित संसद के पहले सत्र को आयोजित किया जाना था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनाव में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। ज्ञात हो कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह म्यांमार में तीसरा तख्तापलट है। म्यांमार में हुए इस सैन्य तख्तापलट पर विभिन्न देशों ने चिंताएं व्यक्त की। इस घटना पर अगर भारत के रुख की बात करें तो भारत ने म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है, परंतु भारत म्यांमार के सैन्य शासन के साथ अपने संबंध को बेहतर रखना चाहेगा, क्योंकि म्यांमार के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित भी जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में डेनमार्क ने उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप बनाने संबंधी एक परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के प्रारंभिक चरण में 18 फुटबॉल के मैदान के आकार के बराबर एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण होगा। इसमें सैकड़ों अपतटीय पवन टर्बाइनों को एक साथ जोड़ा जाएगा। परियोजना के महत्व को इस स्वरूप में समझा जा सकता है कि यह घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करेगा। यह नौ परिवहन, उड्डयन, उद्योग और भारी परिवहन के लिए भी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। यह परियोजना द्वीप पर 3 मिलियन यूरोपीय परिवारों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा विद्युत प्रणाली से संबंधित एक घोषणा की गई थी, जिसमें एक दशक के भीतर विद्युत प्रणाली को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने तथा वर्ष 2050 तक अपनी अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 25 गुना बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस घोषणा के बाद डेनमार्क द्वारा ऊर्जा द्वीप संबंधी परियोजना की घोषणा की गई। आइए एक नजर डालते हैं उत्तरी सागर पर। उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमावर्ती समुद्र है, जो ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच स्थित है। यह अटलांटिक महासागर के साथ दक्षिण में इंग्लिश चैनल के द्वारा और उत्तरी में नॉर्वेजियन सागर के द्वारा जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगली और अंतिम खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड की सीमा निर्धारण से संबंधित। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट के नियमों में बदलाव किया है। खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट के ये नियम साल 2022 से लागू होंगे। जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत ट्रांस फैटी एसिड की सीमा वर्तमान में 5% से कम करके वर्ष 2021 तक 3% तथा वर्ष 2022 तक 2% होगी। आइए जानते हैं कि क्या होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फूड स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक पदार्थ है। इसे ट्रांस फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है और इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां भी होती हैं। ट्रांस फैट को हम खराब फैट भी कह सकते हैं। यदि भोजन में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक है तो यह शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जिसके फलस्वरूप हृदय रोग का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल ट्रांस फैट, यह अंडे आदि में पाया जाता है, और दूसरा आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट इंडस्ट्री में प्रोसेस करके तैयार किए गए खाने के तेल, फूड्स, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ आदि में पाए जाते हैं। तेल को बार बार गर्म करने से भी उसमें आर्टिफिशियल ट्रांस फैट या नुकसानदायक ट्रांस फैट की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांस फैट एसिड की हमें आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वनस्पति तेल में इसकी मात्रा 60% से भी अधिक है,
जो कि मीट से भी ज्यादा है। वहीं डेयरी उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा महज 2-5% तक ही होती है। ऐसे में इसकी अधिक मात्रा न केवल हमारे दिल के लिए खतरनाक है, बल्कि यह मधुमेह के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। तो ये थी हमारे साप्ताहिक समाचार अंक की ये खास खबरें। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम का कार्य प्रशंसनीय है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.